हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ निबंध दिवाली पर 250 शब्दों में। इससे पहले भी मैंने आपके साथ दिवाली पर निबंध शेयर करा है, जिसमें मैंने आपके साथ 10 लाइन शेयर करी है। और आज जो मैं निबंध आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो 250 शब्दों में मैं शेयर करूँगी। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। दिवाली हिंदू धर्म के मुख्य त्यौहारों में से एक है। इस त्यौहार को दीपावली व दीपों का त्यौहार भी कहा जाता है। यह त्यौहार भारत प्रत्येक वर्ष अक्टूबर व नवंबर के महीने में मनाया जाता है। दिवाली का त्यौहार धनतेरस से लेकर भाई दूज तक 5 दिन तक मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण को पराजित करके और अपना 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे। भगवान श्री राम के आने की खुशी में वहां के सभी लोगों ने घी के दिए जलाए थे। तब से लेकर आज तक हर वर्ष इस दिन दीपावली के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और भगवान श्री राम को पूरे देश में उनकी पवित्रता और सत्यता के लिए पूजा जाता है। यह त्यौहार अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। दिवाली खुशियों का त्यौहार है। दिवाली का यह त्यौहार हर किसी के लिए खुशियाँ लेकर आता है। इस अवसर पर बाजारों में खूब रौनक होती है। लोग नए कपड़े खरीदते हैं और घर में स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं और एक दूसरे को मिठाइयाँ और तोहफे देते हैं। दिवाली के दिन घर घर में दियों से रंग बिरंगी लाइटें मोमबत्ती आदि से सजाया जाता है। सॉरी, यह दीपों की रंग बिरंगी रोशनी हर एक के मन को मोह लेती है। रात्रि में भगवान माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। इस त्यौहार को बच्चे बूढ़े सभी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। बच्चे पटाखे खरीदते हैं और आतिशबाजी का आनंद देते हैं। सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। दिवाली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। भारत ही नहीं बल्कि और देशों में भी दिवाली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली का त्यौहार हमें हर एक के जीवन में दीपों जैसा प्रकाश फैलाने का संदेश देता है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।